हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाबेली और होममेड दाबेली मसाला और चटनी। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पतीले में हम 3 बड़े चम्मच धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डाल दिया हमने। अब इसमें 2 फूल डाल देंगे, 3 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग डाल दिए हमने और 4 काली मिरी, 3-4 लाल मिर्च डाल दी इसमें सूखी हुई, 1 खोबरे की वाटी सूखा हुआ नारियल ले लिया था हमने, इसमें मिर्च पाउडर डाली है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चीनी डाल दी हमने थोड़ी सी। इसे हम अच्छी तरह सब मिक्स कर लेंगे, फिर हम गैस को ऑन कर देंगे, नहीं तो हमारे ये मसाले जल जाएंगे। देखिए, अभी मैंने गैस को ऑन कर दिया और सब मसाले अच्छी तरह हम भून लेंगे। मसाले भूनने के बाद हम इसे पीस लेंगे, इसे अच्छे पाउडर बना लेंगे। देखिए, अच्छे से पाउडर तैयार हो गई है दाबेली मसाला। इमली को हमने पहले से ही भिगो कर रखा था, इसका पानी मैं पतीले में डाल रही हूँ। इसमें डालूंगी 1 लाल चम्मच तीखा मसाला। अब डालेंगे हम इसमें काली मिर्च और जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच। अब डाल देंगे इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से। इसमें डाल देंगे हम चीनी, थोड़ी मिठास आ जाएंगी अच्छे से इसमें, और इसे अच्छी तरह हम हिला लेंगे और गाढ़ा होने तक इसे पकने देंगे। की चटपटी चटनी है ये, पाव में लगाने से दाबेली को अच्छा टेस्ट आता है। देखिए, इसे अच्छी तरह हिला लेना है और गाढ़ी होने तक हम इसे पकने देंगे। देखिए, इसे अच्छे से उबाल आ गया है, चटनी भी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। मिर्ची और लहसुन को हमने मिक्सर के बर्तन में डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक। मिर्ची को मैंने गर्म पानी में पहले से ही भिगो कर रख दिया था। भीगने के बाद मिर्ची सॉफ्ट होती है, और ये भुने हुए सिंगदाने भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसकी चटनी बना लेंगे। इसमें मिर्ची का जो बचा हुआ पानी था वो भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए, हमने चटनी को अच्छे से पीस लिया। अब भुने हुए सिंगदाने को हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तीखा मसाला, और जो हमने दाबेली का मसाला बनाया था वो डाला हमने 1 चम्मच, और ये डाल दिया हमने चाट मसाला 1 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से तेल। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और गैस जलाकर हल्का सही से भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, भुने हुए सिंगदाने को अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल। अब इसमें डालेंगे हम मैश किए हुए आलू, इस पे डाल देंगे हम दाबेली मसाला। ये मैंने 3 चम्मच मसाला डाला है, ये हमने स्टार्टिंग को बनाया था वही मसाला है। इसमें डालेंगे नमक और लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और इसमें डालेंगे हम इमली की बनी हुई चटनी 4 से 5 चम्मच हमने चटनी डाल दी इसमें। इसे अच्छे से हम सब मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हिलाते रहना है।
इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा पानी। पानी डालकर अब फिर से हम इसे हिला लेंगे। देखिए दाबेली मसाला डालने से इसकी खुशबू बहुत ही बड़ी आती है और खाने में भी बहुत टेस्टी दाबेली बनती है। हमने इस चटनी को बर्तन में निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे हम सूखा हुआ नारियल, फ्राई किए हुए सेंगदाने डाल देंगे इसमें और अनार के दाने डाल देंगे। इसमें ऊपर से हम धनिया डाल देंगे। देखिए हमारा दाबेली का पैटिस यानी कि चटनी अच्छे से तैयार हो गई है। अब पाव को हम बीच में से काट लेंगे, इसके अंदर हम चटनी लगा लेंगे। अब देखिए इमली की चटनी हमने पाव को लगा ली पहले, फिर हम मिर्ची की चटनी लगा लेंगे, लहसुन और मिर्ची की पीसी हुई चटनी। देखिए आलू का पैटिस हम इसमें लगा देंगे। और इसमें डालेंगे हम सेंगदाने। हर चीज़ को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ हम इसमें करके डाल रहे हैं। प्याज को पहले से ही हमने बारीक कट करके रख दिया था, वो इसमें डाल देंगे। अनार के कुछ दाने इसमें डालेंगे और सेव डाल देंगे, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। देखिए हमारी दाबेली अच्छे से तैयार हो गई। अब साइड से हम इसे सेव लगा लेंगे। देखिए मैं इसे प्लेट में रख दूंगी और सभी दाबेली को इसी तरह बना लूंगी। आप ये दाबेली एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, घर पे बनाई हुई दाबेली बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। अब हम इस दाबेली को तवे पे फ्राई कर लेंगे। देखिए अब बटर डाल देंगे हम तवे पर। बटर अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस पे हम डालेंगे दाबेली। सभी दाबेली को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इसे हम पलटी कर कर थोड़ा सा हल्का हल्का दबा लेंगे। देखिए हमारी दाबेली अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे।